पता नहीं लग रहा कौन क्या है आजकल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वेंटिलेटर आप जो ढूंढ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज तक के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की मुलाकात मेडिकल उपकरणों के इस डिस्ट्रीब्यूटर से हुई। हमने निजी इस्तेमाल के लिए वेंटिलेटर खरीदने वाला ग्राहक बनकर इनसे मुलाकात की। गजेंद्र सिंह ने खुद कबूला कि सरकार ने निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को वेंटिलेटर बेचने पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके ऊंची कीमत पर वो वेंटिलेटर हमें बेचने पर राजी हो गया। डिमांड तो बहुत होगी सर आजकल इन चीजों की। सामान नहीं है, क्या डिमांड का क्या करोगे आप? सप्लाईज नहीं है मेरे पास। में 20 मॉनिटर थे जो मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे जिनका फोन पहले आया, हमने उनको प्रेफरेंस दिया। आप किराने वाले पे जा रहे हो, वो छोड़ रहा आपको। डिटेल्स पढ़ा दे सर। मैं भेज रहा हूँ आपको। डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है सर, सीधी सी बात है। डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो चीजों के रेट। मुझे एड्रेस दे दीजिए सर, नांगलोई का। और कितने बजे? 84,000 पे लेंशर सीएमओ से मेरे पास में बात वर्क है। 5 यूनिट अगर मिल जाएंगे आपको नांगलोई से, नांगलोई से उठाने पड़ेंगे सर। उठा लेंगे, 5 यूनिट वहीं से उठा लेते हैं। गजेंद्र जी, इन पांचों का टोटल एक बजट दे दीजिए मुझे। सर अब मैं आपको 1,000 rupees फर्दर इस पर डिस्काउंट दे दूंगा, इससे नीचे मेरे लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। कितना सर? 374,000 rupees में कर दूंगा। 374,000 पाँचों? 370,000 हो जाएगा। 370,000 पाँचों। अगर ये फैलता है तो 2,00,000 वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, 40,000 है टोटल इंडिया में। ठीक है सर, दिस इज वार लाइक सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट। अगर उनको ये पता लग गया मेरे पास में है और मैंने उनको कमिट कर रखा है तो दे विल नॉट अलाउ मी टू सेल टू एनीवन एल्स। जितनी वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बोल दीजिएगा, इनको ये बोला गया कि आप बनाइए और सप्लाई कीजिए। आप किसी को नहीं देंगे, गवर्नमेंट को पहले देंगे। मतलब प्राइवेट को नहीं देंगे? प्राइवेट में किसी को नहीं देंगे, अपने डीलर को नहीं देंगे, हॉस्पिटल को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। क्लाइंट को भी नहीं देंगे? कोई प्राइवेट आता हम जैसा? सर प्राइवेट हम जैसा आ गया उसको सर हॉस्पिटल से, किसी भी मेडिकल कंपनी के लिए पहले हॉस्पिटल क्लाइंट होता है। ठीक है सर। डीजीएफटी ने आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं बोलेंगे ना सर, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बुला करके उन्होंने बोल दिया। अच्छा, अगर मेरे को फैक्ट्री चलानी, मेरे को यहाँ पे ऑफिस चलाना है और मेरे को अगर गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया कि सामान मेरे को दोगे तो मैं उनको दूंगा, मेरे को आगे भी तो काम करना है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप मैं किस किस से पंगा लूंगा यहाँ पे? अच्छा, सरकार ने आपको बोला है कि आप बेच नहीं सकते किसी को? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोल दिया है जिनके पास में उनसे इन्वेंटरी ले ली गई है कि आपके पास में क्या करंट इन्वेंटरी है, कितना आप और बना सकते हैं वेंटिलेटर्स की, वेंटिलेटर्स की, बीपैप, पेशेंट मॉनिटर्स की, बीपैप की, सीपैप की, वो सब ले चुके हैं। ओके, तो वो प्राइवेट को नहीं दे सकते आप, बेच नहीं सकते? नहीं सर, नहीं दे सर, हमें तो मिल जाएगा ना सर। अगर ऐसा होता मैं आपको बुलाता ही नहीं, मैं आपसे बात करता। ठीक है। दिल्ली के नजफगढ़ में इस जैसे डीलर्स ग्राहकों से कह रहे हैं कि वेंटिलेटर को खरीद कर रख लो, भले ऐसा करने पर रोक हो। यूएम हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मनीष धनकड़ ने हमसे ऑर्डर लिया और घर में इस्तेमाल के लिए नई मशीन सप्लाई करने का वादा किया। आदमी हालात का फायदा उठाता, सब लोग एक जैसे नहीं होते। और देखो गवर्नमेंट ये बोल रही है ना इस टाइम पे कि भाई आप सपोर्ट करो, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी क्या करोगे किसी को, ये इशू है। तो हम जो प्राइवेटली खरीद रहे हैं वेंटिलेटर तो गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपके हिसाब से? हाँ, खुद का बचाव खुद ही है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। देखो आप इटली जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो टैक्स लेते हैं आपसे, लेकिन आपकी कम से कम फैसिलिटी तो देंगे ना, मरने तो नहीं देंगे। यहाँ कोई आदमी की कदर नहीं है। तो इनकी कितनी कॉस्ट बनती है सर 5 पीस की? 17 to 5 तो 3.5 लाख ये हो जाते, प्लस 12% टैक्स हो जाता। 392 टैक्सेस होगा? हाँ, 12%। 392 इसका 50% देना है हमें, कितना बनता है? 196 है बताओ। 1,96,000। भारत में वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां बढ़ रही हैं, लेकिन जमाखोरी और काला बाजारी मुश्किल खड़ी कर रही है। जमशेद खान और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम।